subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. आप बताइए आप किस तरह से टेनिस को सपोर्ट करते हैं, आप अपने को कितना स्पोर्टी मानते हैं? जी टेनिस तो मेरा पहला प्यार है। मैं 7 या 7.5 साल की उम्र से टेनिस खेल रहा हूँ। मेरे पापा एक नेशनल प्लेयर हुआ करते थे तो उनको देखते देखते मैं बड़ा हुआ टेनिस खेलते हुए। तो इनफैक्ट जब मैं पहली बार टेनिस कोर्ट गया मैं तुरंत खेलने लगा, मुझे ऐसे कोई कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी फोर हैंड और बैक हैंड मारने के लिए। तो टेनिस मेरा पहला प्यार है। मैं 18 साल की उम्र तक टेनिस खेला है, जब मैं जूनियर ITF जो लीग्स होते हैं वो खेला करता था। फिर ऑफकोर्स आगे मुझे लगा कि मैं करियर नहीं बना पाऊंगा तो दूसरे करियर्स में मेरा इंटरेस्ट चला गया। तो मैं बहुत बहुत ऑनर्ड फील करता हूं कि मैं ये टेनिस प्रीमियर लीग को सपोर्ट कर रहा हूं। कुणाल बोजवानी जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम बचपन में साथ में टेनिस खेला करते थे, सर्किट खेला करते थे। तो वो एक इतना कमाल का चीज़ कर रहे हैं ताकि यंग बच्चों को एक मौका मिले अपना हुनर दिखाने का, टैलेंट दिखाने का, एक इवेंट ऐसा हो जो इस स्केल पे ऑर्गेनाइज हो रहा है और उसको दिखाया जाएगा। तो आई थिंक आई एम जस्ट फीलिंग ऑनर्ड कि मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। सो अगर आप डायरेक्टर नहीं होते तो आप ज़रूर टेनिस प्लेयर होते, राइट? जी पता नहीं, टेनिस प्लेयर बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत है। मतलब जो लिएंडर पेस जो इस इवेंट से भी जुड़े हैं, जो इस देश के इतने बड़े लेजेंड हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे कि उनकी क्या जर्नी रही है, वो आपको पता चलेगा कि एक टेनिस प्लेयर बनना इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। जो उन्होंने हासिल किया वो कमाल है। तो मुझे पता नहीं मेरे में उतना उस समय इतनी दृढ़ता, इतना क्या कहते हैं एम्बिशन था कि नहीं, पर या मैं ज़रूर स्पोर्ट्स से जुड़ा होता बिकॉज आई थिंक आई लव स्पोर्ट्स। मैं ज़िंदगी में बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं और आई थिंक इट्स बीन द वन थिंग जिसने मुझे बहुत सिखाया है। आप कभी लिएंडर पेस पे बायोग्राफी फिल्म बनाएंगे या फिर टेनिस पे आप कभी कोई मूवी बनाना पसंद करेंगे? जी अगर लिएंडर पेस की कहानी जो ऑलरेडी लोग जानते हैं उससे हटकर कुछ होगी तो ज़रूर बनाना चाहेंगे। लिएंडर पेस की जो कहानी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है, उनकी अगर आप मैं तो ऑफकोर्स उनको फॉलो करते आया हूँ बचपन से, तो इतनी इतनी उनके लाइफ में किस्से हुए हैं, उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम्स फाइट किए हैं, इंजरीज फाइट की है, सो मेनी थिंग्स ही हैज़ डन टू अचीव व्हाट ही हैज़। तो आई थिंक मेरा ज़िंदगी का ऑनर रहेगा और देखिए अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर स्पोर्ट्स पे टेनिस पे एक फिल्म बनाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।